Hey kids, a very warm welcome to all of you. Myself Vanchika, today I'm going to teach you science. आज की हमारी क्लास है बच्चे साइंस की एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4. फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर इज 2929. ठीक है, आप सबको अपना पेज नंबर 29 ओपन करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हमारा चैप्टर का नेम है बच्चे वाइल्ड एनिमल्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, एनिमल्स आर फ्रेंड्स, कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. तो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, इस बात को हम ब्रीफली पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हैव यू एवर विजिटेड अ नेशनल पार्क, क्या आप कभी नेशनल पार्क में गए हो. मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लिव देयर फ्रीली. जो नेशनल पार्क होता है वहाँ पे ज्यादातर एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, घूमते हैं. उनका कोई जंग वो नहीं होता बच्चे, केव नहीं होता, केज नहीं होता कि उन्हें बंद करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. वो लोग फ्री घूमते हैं. यू कैन सी दैट अ हर्ड ऑफ डियर, नील गाय, मंकी एंड एलिफेंट. आप सब देख सकते हो कौन कौन से एनिमल्स, डियर, नील गाय, मंकी एंड एलिफेंट. You can also see there are hungry tigers and cubs. आप hungry tiger भी देख सकते हो और cubs भी देख सकते हो, यानी कि उनके babies. We can see many wild animals in a national park. हम बहुत सारे wild animals कहाँ पे देख सकते हैं, national park में. जो park होता है ना, जहाँ पे मैम आपको बता रही है, वहाँ पे wild animals जो हैं वो घूमते हैं freely. ठीक है, अब हम आते हैं page number 3030 पे. फर्स्ट पेज पे तो बहुत थोड़ा सा था. अब हम पेज नंबर 30 के सबसे ऊपर आते हैं. नेम द फॉलोइंग 10 वाइल्ड एनिमल्स. आपके आगे अब ये 10 पिक्चर्स बनी हुई है वाइल्ड एनिमल्स की. आपका होमवर्क है आपको इनके नेम्स लिखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम्स वाइल्ड एनिमल्स. अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कहां से, वाइल्ड एनिमल्स से. Animals that live in their natural surroundings. Animals that live in their natural surroundings in a forest are called wild animals. जो अपनी natural surroundings यानी कि अपने natural जो भगवान दिए हुए घर है, जो उनके nature से उनको मिले घर, जो कि forest जंगल होता है, वो उनका उनका natural घर होता है. वो तो बाकी हम इंसानों ने उनके घर बनाया ना, लेकिन जो उनका natural घर होता है, natural उनकी surroundings होती है, वो होती है बच्चा forest. और जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. लायन, टाइगर, बियर, डियर, एलिफेंट एंड ज़ेब्रा आर सम एनिमल्स. कौन कौन से, लायन, मैम के पास कुछ एग्जांपल्स हैं आपको दिखाने के लिए, लाइक लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट. मैम के पास एलिफेंट भी है बच्चा आपको दिखाने के लिए, लायन था, एलिफेंट भी है और मैम के पास ज़ेब्रा भी आपको दिखाने के लिए. ये सारे कौन से होते हैं बच्चे, ये सारे होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स, जो कि कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. अब उनके घर कहाँ कहाँ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं. Some live on land, कुछ लोग जमीन पर रहते हैं, लैंड पर. Some on trees, कुछ ट्रीज पर रहते हैं एनिमल्स. While others live in water, और कुछ एनिमल्स वाटर यानी कि पानी में रहते हैं. Some animals make home to live in, कुछ एनिमल्स अपने अपने घर बनाते हैं अपने रहने के लिए. While some do not, और कुछ लोग कुछ एनिमल्स घर नहीं बनाते. Animals such as deer, elephant, giraffe and zebra do not make a home. कौन कौन से animals हैं जो अपना घर नहीं बनाते अपने आप, वो animals हैं बच्चे deer, elephant, giraffe and zebra. ये animals वो हैं जो अपना घर नहीं बनाते. They take shelter under the shade of trees. ये वो animals हैं जो trees की shade में बैठते हैं, ठीक है, but अपना घर नहीं बनाते हैं. They take shelter under the shade of trees. ये shelter ले लेते हैं, आराम कहाँ करते हैं, trees की shade के नीचे. Animals such as deer and giraffe, जो deer और giraffe है, roam around the forest. वो forest में ही घूमते रहते हैं, ठीक है. ये आप देख सकते हो, ये giraffe है, ये रहा elephant. ये क्या कर रहे हैं,
और वो डियर है, ये क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3131। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मंकीज, पांडास एंड स्क्विरल्स मेक देयर होम ऑन ट्रीज। कौन कौन से एनिमल्स अपना घर ट्रीज पे बनाते हैं? बर्ड्स, मंकीज, पांडास, स्क्विरल। इनमें से मैम आपको दिखा सकती हैं, मैम के पास मंकी है जो कि कहाँ पे रहता है? ट्रीज पर। ये जो ये मंकी है ना, ये ट्री पर रहता है, और ये स्क्विरल जो है ये भी कहाँ रहती है? ट्रीज पर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एनिमल्स सच एज मोल्स, रैट्स, रैबिट एंड स्नेक लिव्स इन द होल ऑफ द ग्राउंड। अब वो कैसे रहते हैं? जो ग्राउंड होता है ना, जो ग्राउंड होता है उसमें छेक करके होल बना देते हैं वो, लाइक दिस आप देख सकते हो, इसने जमीन के अंदर बना दिया है, इसने क्या करे, रैबिट ने। और ये देखो रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सब ग्राउंड में ना होल कर देते हैं, छेक कर देते हैं, और उस होल में अपना घर बना के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लायंस एंड टाइगर्स लिव इन अ टेन। जो लायन है, ये आपका बच्चे लायन है और ये आपका टाइगर है, ये कहाँ पे रहते हैं? ये डेन में रहते हैं। इसमें से मैम आपको लायन दिखा सकती हैं, लायन हमारा कहाँ पे रहता है? लायन हमारा डेन में रहता है। और आपको एक कॉमन बात बताएं, लायन भी येलो कलर के और मैम भी लायन बनी हुई है ना, येलो येलो। सो मैम ने क्या करा है, मैम ने आपको बताया कि लायन और टाइगर कहाँ रहते हैं? डेन में रहते हैं। नेक्स्ट कम बियर। अब जो बियर है वो कहाँ पे रहता है? बियर लिव्स इन अ केव्स। बियर जो है अपने ऐसे केव बनाता है, ऐसे गुफा टाइप, एंड उसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटामस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब मैम ने आपको बताया था कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी, बट कुछ एनिमल्स वो होते हैं जो दोनों में रहते हैं, लैंड में भी और वाटर में भी, और वो एनिमल्स कौन से होते हैं? क्रोकोडाइल एंड हिप्पोपोटामस। ये कहाँ पे रहते हैं? ये बच्चे हिप्पोपोटामस, ये लैंड में भी रहता है यानी कि जमीन पे भी रहता है, और पानी यानी कि वाटर में भी रहता है। ठीक है, चैप्टर आ रहा है समझ। नेक्स्ट कम्स ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब इनकी आदत है क्या क्या खाना खाने की? वाइल्ड एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल वाले एनिमल्स होते हैं, इनकी हैबिट्स भी कुछ अलग अलग होती हैं खाने की। They wander about in search of food. वो घूमते रहते हैं, wander करते रहते हैं, किस लिए? In search of food, खाने की तलाश में। Animals such as elephants, rhinoceros, zebras and giraffe eat only plants. अब कौन कौन से animals बहुत अच्छे हैं जो सिर्फ plants खाते हैं? वो हैं बच्चे elephant, rhinoceros, zebra, giraffe. ये सारे क्या खाते हैं? They eat only plants. वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। These animals are called plant eating animals. इन animals को हम क्या कहते हैं? Plant eating animals. जो लोग, जो animals plant खाते हैं, उन्हें कहते हैं plant eating animals. Next come, some animals eat flesh of other animals. अब कुछ animals ऐसे होते हैं जो flesh खाते हैं दूसरे animals की। Flesh मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार देता है, और जो मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं उन्हें फ्लैश कहते हैं, और वो एनिमल्स क्या कहते हैं? वो फ्लैश खाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं अब हम ये देखेंगे और उनको क्या कहते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। जो प्लांट्स खाते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स गेट देयर फूड इन वेरियस वे। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको अपना खाना बहुत सारे तरीकों से मिल जाता है। एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर। जो एनिमल होते हैं लायन और टाइगर, किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। लायन और टाइगर ना बाकी एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी फ्लैश को खाते हैं। एनिमल्स सच एज स्नेक एंड किंगफिशर स्वॉलो स्मॉल एनिमल्स। और जो आप देख सकते हो ये किंगफिशर बर्ड है और ये स्नेक है, ये क्या करते हैं? ये जीते हुए एनिमल्स को, मतलब मरे हुए नहीं, जीते जागते एनिमल्स को, जो छोटे छोटे होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, उनको ऐसे ही अपने मुंह में ले लेते हैं, खा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्नेक क्या खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स एनिमल्स सच एज वल्चर, वल्चर बच्चे एक बर्ड होती है, वल्चर जेकॉन एंड हाइनास ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स जैसे लायन और टाइगर था, वो क्या करते थे, वो एनिमल्स को मारते थे फिर खाते थे, है ना। बट ये जो एनिमल्स जैसे कि वल्चर जेकॉन और हाइनास है, ये क्या करते हैं, ये फ्लेश तो खाते हैं डेड एनिमल्स की, बट ये लोग एनिमल्स ऐसे होते हैं, ये एनिमल्स ऐसे ये कभी खुद नहीं मारते, ये मरे हुए एनिमल्स को, डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। इन दिस वे दे हेल्प टू कीप आवर अर्थ क्लीन, इस तरीके से ये हमारे अर्थ को, धरती को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं। क्योंकि अगर कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, लायन टाइगर है, एनिमल्स को मार तो देते हैं, अब सारे एनिमल्स तो फिर भी नहीं खा सकते ना, तो क्या होता है, मार मार के कुछ खा भी लेते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। तो जो छोड़ देते हैं एनिमल्स, उन सबको कौन खा लेता है, वल्चर्स जेकॉन एंड हाइनास। ठीक है, ये आप देख सकते हो तीनों एनिमल्स ये रहे। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चे पेज नंबर 33 पर। 33 पे क्या है, आपका बुक वर्क है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका बुक वर्क है, आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चे, मैम आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगी, क्योंकि जो बुक वर्क है वो आप बुक से भी लर्न कर सकते हो, तो इन्हें नोटबुक में कॉपी डाउन करने की नीड नहीं है, नोटबुक में हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है हमारे 35 पे, बुक वर्क ही है यहाँ तक, टेक द करेक्ट तक हमारा बुक वर्क है, ये आपको सारा बुक में ही कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर दैट कम्स क्वेश्चन आंसर्स, पेज नंबर 35 पे ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको नोटबुक वर्क है क्वेश्चन आंसर्स का, ये आपको नोटबुक में करना है, एंड इन नाइस इन राइटिंग एंड विद अ पेंसिल, मैं आपको आपको असाइनमेंट सेंड कर देंगी। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।